आईपीएल 2024 के आज के हुए डबल हेडर मुकाबलों के बाद अब ऑरेंज कैप व पर्पल कैप की रेस के साथ साथ पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, आईपीएल 2024 के मैच नंबर 45 व 46 की समाप्ति के बाद अब ऑरेंज कैप व पर्पल कैप की रेस पूरी तरीके से बदल चुकी है, जहां पर कई खिलाड़ियों ने अब यहां पर अपना नाम दर्ज करवा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको पॉइंट टेबल के साथ साथ ऑरेंज कैप व पर्पल कैप तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी चाहते कि आपका फेवरेट खिलाड़ी, आपकी फेवरेट टीम शानदार परफॉर्मेंस करे, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी पॉइंट टेबल के साथ साथ ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस। तो दोस्तों, हम ऑरेंज कैप की रेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 5 पर केएल राहुल मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स के, जिन्होंने अब तक 9 मुकाबलों की 9 इनिंग में 378 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका बेस्ट स्कोर 82 रहा है, तो वहीं पर 42 का इनका एवरेज रहा है। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 की, तो यहाँ पर संजू सैमसन मौजूद हैं, जिन्होंने 9 मुकाबलों की 9 इनिंग में 385 रन बनाए हैं। 82 इनका भी बेस्ट रहा है, जबकि 77 का इनका एवरेज रहा है। वहीं पर दोस्तों, नंबर 3 पर आ चुके हैं अब साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के, जिन्होंने 10 मुकाबलों की 10 इनिंग में 418 रन बनाए हैं। 84 इनका बेस्ट स्कोर है, जबकि 46.44 का इनका एवरेज है। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 2 पर अब ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके हैं, जिन्होंने 9 मुकाबलों की 9 इनिंग में 447 रन बना दिए हैं। 108 इनका बेस्ट स्कोर रहा है, जबकि 63.86 का इनका एवरेज रहा है। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल विराट कोहली मौजूद हैं, जिन्होंने 10 मुकाबलों की 10 इनिंग में 500 रन बनाए हैं। 113 इनका बेस्ट स्कोर रहा है, जबकि 71.43 का इनका एवरेज है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो फिलहाल ऑरेंज कैप विराट कोहली के सर पर है। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं पर्पल कैप की रेस के बारे में। तो दोस्तों, पर्पल कैप की रेस की फिलहाल नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर यूजी चहल मौजूद हैं, जिन्होंने 9 मुकाबलों की 9 इनिंग में अब तक 13 विकेट लिए हैं। 11 रन देकर 3 इनका बेस्ट रहा है, जबकि 9 की इनको इकोनॉमी रही है। वहीं पर नंबर 4 पर मतीसा पतिराना है चेन्नई सुपर किंग्स के, जिन्होंने 6 मुकाबलों की 6 इनिंग में 13 विकेट लिए हैं। 28 रन देकर 4 सफलताएं इनका भी बेस्ट रहा है, जबकि इनकी इकोनॉमी 7.68 की रही है। तो वहीं पर नंबर 3 पर हर्षल पटेल मौजूद है, जिन्होंने 9 मुकाबलों की 9 इनिंग में 14 विकेट चटकाए हैं। 15 रन देकर 3 सफलताएं इनका बेस्ट रहा है, जबकि 10.18 इनकी इकोनॉमी रही है। तो वहीं पर नंबर 2 पर चेन्नई सुपर किंग्स के मुस्तफिजुर रहमान आ चुके हैं, जिन्होंने 8 मुकाबलों की 8 इनिंग में 14 विकेट लिए हैं। 29 रन देकर 4 सफलताएं इनका भी बेस्ट रहा है, जबकि दोस्तों 9.75 की इनकी इकोनॉमी रही है। तो वहीं पर नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह है, जिन्होंने अब तक 9 मुकाबलों की 9 इनिंग में 14 विकेट लिए हैं। 21 रन देकर 5 विकेट इनका बेस्ट स्कोर है, जबकि 6.63 की इनकी इकोनॉमी है। यानी कि फिलहाल जसप्रीत बुमराह के सर पर पर्पल कैप मौजूद है बेस्ट इकोनॉमी के चलते। वहीं पर अब हम जानते हैं पॉइंट टेबल के बारे में। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल में फिलहाल आज के मुकाबले में जीत के बावजूद भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम नंबर 10 पर ही मौजूद है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले, जिनमें से अब 3 मुकाबलों में जीत मिल चुकी है, जबकि दोस्तों 7 मुकाबलों में इन्हें हार मिली है। फिलहाल इनके पास 6 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट -0.415 है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने आज काफ़ी शानदार जीत दर्ज की। अब लगातार 2 मुकाबलों में जीत के साथ ही अब इनके प्लेऑफ में पहुँचने की उम्मीदें जो बरकरार थी वो अभी भी बरकरार है। फिलहाल इस टीम के पास 4 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर चारों मुकाबले ये टीम जीतती है तो 14 अंकों तक पहुंच जाएगी, और ऐसे में अगर इनकी नेट रन रेट बेहतर रहती है और 14 अंकों पर कोई टीम प्ले ऑफ में आकर फंसती है तो फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ 1% चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में पहुँचेगी। इसके बाद दोस्तों, नंबर 9 टीम की बात करें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस मौजूद है। दोस्तों, मुंबई की टीम ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 6 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी फिलहाल 6 ही पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट इनकी भी -0.261 है। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम के पास अभी भी 5 मुकाबले बचे हुए हैं, और 5 में से 5 मुकाबले ये टीम जीती है तो अपने दम पर प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। यानी कि दूसरी किसी टीम के रिजल्ट से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों, हम बात करें इनके
प्लेऑफ में पहुंचने के चांस की, तो दोस्तों 10% अभी भी चांस है कि मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 टीम की बात करें तो यहाँ पर पंजाब किंग्स मौजूद हैं। दोस्तों पंजाब ने भी अब तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 9 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं। शानदार परफॉर्मेंस इसलिए हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में कमाल की जीत दर्ज की थी। फिलहाल दोस्तों इनके पास 6 मुकाबलों में हार भी है, तो वहीं पर इसके बाद इनके पास 6 पॉइंट मौजूद हैं जबकि नेट रन रेट -0.187 है। इस टीम की किस्मत भी अभी भी इनके हाथ में है क्योंकि अगर बचे हुए 5 में से 5 मुकाबले ये जीत आते हैं तो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगे, लेकिन इसके लिए इन्हें हर एक मुकाबला जीतना होगा। वैसे दोस्तों बात करें यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम के प्लेऑफ में पहुँचने के चांस की, तो इनके भी सिर्फ 10% ही चांस है कि ये टीम इस बार हमें प्लेऑफ में खेलती हुई नज़र आएगी। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 7 पर गुजरात टाइटंस है। आज के मुकाबले में मिली हार के बाद अब इस टीम को भी करारा झटका लग चुका है क्योंकि दोस्तों अब 10 मुकाबले गुजरात टाइटंस के भी समाप्त हो चुके हैं जिनमें से सिर्फ 4 ही मुकाबलों में इस टीम को जीत मिली है जबकि 6 महत्वपूर्ण मुकाबले ये टीम हार चुकी है। फिलहाल इनके पास सिर्फ 8 पॉइंट हैं जबकि नेट रन रेट की बात की जाए तो वो भी अब बेहद ही ख़राब हो चुकी है जो कि -1.113 है। गुजरात टाइटंस के प्ले ऑफ में पहुँचने के सारे रास्ते बंद हैं सिवाय एक रास्ता खुला है कि ये टीम हर एक मुकाबला जीते, यानी कि बचे हुए 4 में से 4 मुकाबले अगर ये टीम जीत जाती है तो प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी। यानी कि दोस्तों फिलहाल प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस की बात करें तो इनके भी प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस सिर्फ 10% ही बचे हैं कि इस बार ये टीम भी प्ले ऑफ में पहुँच पाएगी। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 6 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अब तक 10 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि 5 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी फिलहाल 10 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.276 है। यानी कि दोस्तों दिल्ली कैपिटल की टीम भी अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से अगर 3 मुकाबले जीत जाती हैं तो प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी। यानी कि दिल्ली कैपिटल के प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस की हम बात करें तो दोस्तों फिलहाल ये चांस 40% है कि दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ में पहुंच सकती है क्योंकि आखिरी 5 मुकाबलों में से भी ये टीम 4 मुकाबले जीत चुकी है, तो बचे हुए 4 में से 3 मुकाबले जीत लेती है तो ये कारनामा करते हुए इस बार प्लेऑफ में हमें खेलती हुई नज़र आएगी। इसके बाद दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम नंबर 5 पर आ चुकी है। आज ये भी टॉप 4 से बाहर निकल चुकी है। फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 9 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि दोस्तों 4 मुकाबलों में इन्हें हार मिली है, तो साथ ही इनके पास फिलहाल 10 पॉइंट हैं। फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स की नेट रन रेट की बात की जाए तो वो है +0.059। यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें तो नज़र आ रही हैं लेकिन अभी भी इस टीम के पास 5 मुकाबले बचे हुए हैं जिनमें से 3 मुकाबले जीतने के साथ ही ये प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। यानी कि दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस की हम बात करें तो फिलहाल यहां पर 60% चांस है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस बार प्लेऑफ में पहुँच जाएगी। वहीं पर आज के मुकाबले में मिली हार के बाद अब सनराइज़ हैदराबाद की टीम नंबर 4 पर आ चुकी है। सनराइज़ हैदराबाद की टीम ने अब तक 9 मुकाबलों में से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि 4 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी फिलहाल 10 पॉइंट है जबकि दोस्तों नेट रन रेट की बात की जाए तो +0.075 है। यानी कि दोस्तों सनराइज़ हैदराबाद की टीम भी अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीत जाती हैं तो प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन अब इनके प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस की हम बात करें दोस्तों तो वो 60% है कि ये टीम भी प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी। वहीं पर आज के मुकाबले में जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने लंबी छलांग लगाई है और नंबर 6 से अब नंबर 3 पर आ चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 9 मुकाबले खेले जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि 4 मुकाबलों में इस टीम को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके पास 10 पॉइंट है लेकिन आज इनकी नेट रन रेट अब काफ़ी शानदार हो चुकी है क्योंकि अब +0.810 पर पहुँच चुकी है। यानी कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास भी अब 5 मुकाबले बचे हुए हैं जिनमें से 3 मुकाबले इस टीम को जीतने हैं प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की हम बात करें प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस की तो दोस्तों फिलहाल 70% चांस है कि चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी।
वहीं पर दोस्तों नंबर दो टीम की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी फिलहाल 10 पॉइंट है जबकि नेट रनरेट की बात की जाए तो +0.972 है। यानी कि दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीती है तो ये टीम भी प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी। लेकिन फिलहाल इनके प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस की हम बात करें दोस्तों तो फिलहाल 80% चांस है कि प्ले ऑफ में हमें खेलती हुई नजर आएगी इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। वहीं पर दोस्तों अब हम नंबर वन टीम की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 9 में से 8 मुकाबले जीत लिए हैं और सिर्फ एक मुकाबला हारा है। इनके पास फिलहाल 16 पॉइंट हो चुके हैं जबकि नेट रनरेट +0.694 है। यानी कि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करें तो ये प्ले ऑफ में तो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं लेकिन अब ये सुनिश्चित करेंगे आने वाले 5 मुकाबलों को जीत कर कि ये नंबर वन या नंबर टू पर समाप्त करें जिसके चलते कि इन्हें फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिले। यानी कि दोस्तों फिलहाल हम आईपीएल के 46 मुकाबलों की समाप्ति की बात करें तो राजस्थान प्ले ऑफ में जगह पक्की कर चुकी हैं जबकि कोलकाता चेन्नई हैदराबाद लखनऊ और दिल्ली कैपिटल 10-10 अंकों पर मौजूद हैं तो गुजरात टाइटन्स 8 अंक पर हैं जबकि पंजाब मुंबई और आरसीबी 6-6 अंकों पर हैं। लेकिन फिलहाल सबसे खराब स्थिति में जो टीम है वो है आरसीबी जो कि दूसरों के भविष्य पर निर्भर करेगी कि ये टीम प्ले ऑफ में पहुँचेगी या फिर नहीं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें पहुँच रही हैं आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हमारी 4 टीमें जो हैं वो इस समय टॉप 4 में आप देख सकते हैं टॉप पर बनी हुई हैं वही 4 टीमें हैं।